हेलो दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम जानेंगे अगर एवेंजर्स की सीरीज हमारे इंडियन एक्टर्स के साथ बनाई गई होती तो क्या होता। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टर्स की लिस्ट है जो कि आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका, थोर, ब्लैक विडो एंड स्पाइडरमैन को मैच कर सकते हैं या फिर उनका रोल प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों, एवेंजर्स की मोस्ट अवेटेड मूवी एवेंजर्स एंड गेम जो कि इसका फाइनल सीरीज है, आने वाले कुछ ही दिनों में हमारे सामने पेश होगी और सिनेमाघरों में धमाका कर देगी। तो चलिए दोस्तों, जान ही लेते हैं अगर भारत में देसी एवेंजर्स की एक सीरीज बनाई जाती है तो कौन होंगे वो कलाकार जो रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस, क्रिस हेम्सवर्थ, स्कारलेट जॉनसन एंड अदर्स को मैच कर सकते हैं। थोर जो कि तूफान के देवता हैं, इनको एवेंजर्स की सीरीज में बहुत ही ज्यादा प्यार मिला है। थोर नामक करेक्टर क्रिस हेम्सवर्थ प्ले करते हैं। तो अगर देसी एवेंजर्स की सीरीज बनाई जाती है तो फिर थोर का रोल तो हमारे बाहुबली यानी प्रभास ही प्ले करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि बाहुबली नामक बड़े पर्दे की फिल्म पर प्रभास ने जो कार्य किया है वह अगर तुलना की जाए तो वह एवेंजर से कुछ कम भी नहीं था। इसी के साथ साथ अगर हम दोनों की बॉडी या फिर फिजिकल की फिटनेस पर चर्चा करें तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होगा। और अब बारी आती है एवेंजर्स के अब तक के सबसे पावरफुल विलन की, थैनोस। मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स में थैनोस का रोल जोश बर्ली नामक एक्टर प्ले करते हैं। तो दोस्तों, हमारे देसी एवेंजर्स में जो थैनोस का रोल प्ले करते हैं वो है संजू बाबा। हमारे संजू बाबा को अगर मणियों से भरपूर यह इलेक्ट्रॉनिक हाथ पहना दिया जाए तो वह थैनोस के रूप में एकदम फिक्ट दिखाई देंगे। अगर बात की जाए ब्लैक विडो की तो यह तो हम सभी जानते हैं कि उनका कैरेक्टर कितना कठिन और पेचीदा है, और आज तक जिस तरह से इन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है वैसे तो शायद ही कोई कर पाएगा। लेकिन अगर बात की जाए देसी एवेंजर्स की तो आलिया भट्ट के पास स्कारलेट जॉनसन जैसा शरीर और अभिनय दोनों हैं। अब बारी आती है कैप्टन अमेरिका की। एवेंजर्स टीम के कैप्टन का रोल क्रिस इवांस प्ले करते हैं, जो कि मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाले कैरेक्टर हैं। वैसे तो इनकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन अगर बात की जाए देसी एवेंजर्स की तो हमने रणवीर कपूर को चुना है, क्योंकि देखा जाए तो रणवीर कपूर का शरीर और एक्टिंग दोनों क्रिस इवांस से मैच होती हुई दिखाई देती है। और बात की जाए फेस कट की तो वो भी लगभग सेम ही है। तो दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स के सबसे सुपर पावर कैरेक्टर की, यानी कैप्टन मार्वल की। कैप्टन मार्वल का रोल बरी लार्सन प्ले करती हैं। कैप्टन मार्वल की मूवी आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए अवेंजर्स के देसी संस्करण की तो दीपिका पादुकोण से अच्छा विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। दीपिका पादुकोण ही है जो देसी एवेंजर्स के संस्करण में कैप्टन मार्वल के रोल में एकदम फिट बैठती है। अब हम बात करने जा रहे हैं मकड़ी मानव की, यानी स्पाइडरमैन। इनका रोल पीटर पार्कर प्ले करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात की जाए देसी एवेंजर्स की तो उसके लिए हमने चुना है ईशान खट्टर को, क्योंकि एक वो ही है जो स्पाइडर के रोल में एकदम फिट दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब आता है नंबर लोगों के चहेते और एवेंजर्स के सुपर हीरो यानी आयरन मैन का, जिनको रिप्लेस करने की कोई सोच भी नहीं सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आयरन मैन का रोल प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर पूरी दुनिया के सबसे महंगे हीरो हैं। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, आयरन मैन का मैं भी एक बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन अगर बात देसी एवेंजर्स के संस्करण की हो तो हम रणवीर सिंह को ही चुनेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में उनकी एक्टिंग के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में है। और दोस्तों, अगर आपने एवेंजर्स देखी है तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर उस आयरन मैन की एक्टिंग से तो आप वाकिफ ही होंगे। नेक्स्ट नंबर आता है हमारे सुपर डुपर पावरफुल हल्क का, जो कि कॉमेडी के साथ साथ सीरियस रोल भी प्ले करते हुए दिखाई देते हैं। और अगर देसी एवेंजर्स का संस्करण आता है तो हल्क के लिए हमने चुना है राजकुमार राव को, क्योंकि राजकुमार राव ही हल्क के रूप में एक अच्छा विकल्प होंगे। तो भाइयों, अगर आपको हमारी यह वीडियो तथा इसके पीछे की मेहनत पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको भी ऐसे रहस्यमय चीज़ों तथा रोचक तथ्यों में दिलचस्पी है तो हमारे YouTube चैनल द मिस्टीरियस ऑफ यूनिवर्स को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें तथा उसके बगल में आए घंटे को दबाकर भी नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो मिलते हैं जल्दी ही दोस्तों कुछ और रहस्यमयी तथा रोचक जानकारियों के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तथा सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद।